जय मिथिला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है, NCERT बुक्स का है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो हम देख लेते हैं, इसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग, दिए गए का dy by dx फाइंड कीजिए। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हम क्या किए हैं कि 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखिए क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के दी हुई है, और हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई वाई डी एक्स फाइंड करना है। देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। हम क्या करते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में सबका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर वाई इनका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, एकदम आसान है, सिंपल है। क्या करते हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये किसका, ये फॉर्मूला है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन को करेंगे पावर को करेंगे पीछे इंटू एक्स, और पावर में से एक को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी एन माइनस वन। यही है फॉर्मूला, देखिए इसी पे बनेगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर वाई है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, टू साइन वाई, पहले क्या करें स्क्वायर वाले का कर लिए हैं, इसके बाद क्या करेंगे साइन वाई का करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस, अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स वाई है, क्या है, कॉस एक्स वाई है। तो आप लोगों को पता होगा एक फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप एक्स वाई को ना, मतलब एक्स मान लीजिए, देखिए क्या लिखेंगे, अब कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या है, माइनस साइन एक्स है। लिखेंगे माइनस साइन, और यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या जो है एक्स वाई दी हुई है, तो लिखेंगे एक्स वाई। अब क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। देखिए अब पहले क्या किया, एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिए, अब क्या करेंगे एक्स वाई का करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि इनटू में है। ठीक है, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे देखिए कि के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो। देखिए अब क्या लिखते हैं, टू साइन वाई, और यहाँ पे देखिए साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होती है, पता होगा आप लोग को कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये फॉर्मूला पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स होती है, कॉस एक्स। तो इसी पे हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन वाई है, साइन मतलब वाई को क्या, मतलब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं अपने मन में कि ये एक्स है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस हो जाएगी, कॉस, और यहाँ पे वाई है तो वाई, और इसमें क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि वाई है ना, क्योंकि लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई, इसको क्या कर लेते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, टू साइन एक्स वाई, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, डी वाई डी एक्स, यही क्या है हमारा, इसका ये जो निकला है ये क्या है, आंसर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वन, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वन है। तो हम लिखेंगे इसका हमको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई
इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है ना एन इंटू एक्स एन माइनस वन। तो पावर की जगह पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स की जगह पे साइन है और पावर की जगह पे क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है। तो इसी पे क्या करेंगे हम, इसी फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन टू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, पहले क्या करिए, स्क्वायर वाले का कर लिए डिफ्रेंशिएशन, इसके बाद साइन एक्स का करेंगे प्लस। यहाँ पे भी देखिए वही रूल अप्लाई होगा, पहले हम स्क्वायर वाले का कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम कॉस का करेंगे। तो स्क्वायर वाले में क्या है, यही रूल अप्लाई होगा, टू कॉस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन, वन का क्या होता है, वन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या होता है, जीरो होता है, लिखेंगे जीरो। के बाद टू साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाती है, कॉस एक्स हो जाती है, कॉस एक्स। ठीक, तो लिखेंगे कॉस एक्स। ठीक, इसके बाद प्लस टू कॉस वाई, और कॉस वाई है ना, तो कॉस वाई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी यहाँ पे देख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाती है, माइनस साइन एक्स होती है। यहाँ पे एक्स की जगह पर वाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे माइनस साइन, माइनस साइन वाई, और यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद लिखेंगे, देखिए ये यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस टू, इसका फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू होता है साइन, साइन टू ए, किसका फॉर्मूला है, ये साइन टू ए का फॉर्मूला है। ठीक है, टू साइन ए कॉस ए का इज इक्वल टू होता है साइन टू ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसी पर बैठाएंगे, लिखेंगे साइन टू एक्स, ए के जगह पर यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो साइन टू एक्स, यहाँ पे क्या है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए टू साइन ए कॉस बी, यहाँ पे भी वही है टू साइन ए कॉस ए, इस देखिए ना टू कॉस वाई साइन वाई, ये इंटू में है ना, टू टू कॉस वाई इंटू साइन वाई, तो इसका भी वही हो जाएगा साइन टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, तो लिखेंगे माइनस साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कि साइन टू एक्स क्या है, प्लस में है, दूसरी तरफ जाने में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो लिखेंगे माइनस साइन टू एक्स। ओके, यहाँ पे देखिए लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई, ये जो माइनस जो है ना, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, लिखेंगे माइनस साइन टू वाई, यहाँ से माइनस माइनस कर देंगे कैंसिल, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू वाई, यही क्या है आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।